एनसीपीसीबी सर्विस सेंटर रायपुर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम वोल्टास और इन्वर्टर लाइन न्यूट्रल देते ही ये चालू हो जाएगा। तो चालू होगा तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखो लाइन न्यूट्रल, यहाँ पर लाइन न्यूट्रल है और बीच में क्या है, अर्थिंग है। लाइन न्यूट्रल के बाद दो बीडीआर लगा हुआ है। दो बीडीआर कहाँ है, इधर इधर देखो, ये दो बीडीआर दिख रहे हैं आपको, यही दो बीडीआर है और उसके बाद ये बीच में अर्थिंग है। देखो येलो और ग्रीन कलर का, येलो और ग्रीन कलर का है ये वाला अर्थिंग है। उसके बाद एक सादा कैपेसिटर है, यहाँ पर सादा कैपेसिटर इधर, तो यहाँ पर देखो एक सादा कैपेसिटर है ना, ये सादा कैपेसिटर। उसके पहले यहाँ पर देखो एनटीसी लगा हुआ है, ये रहा एनटीसी, यहाँ पर है ओके, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर देखो चार रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 70 किलो का एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर चार रेजिस्टेंस इस तरीके से सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है, दोनों को यहाँ पर देखो, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दोनों को शॉर्ट किया गया है इधर, और ये रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पर देखो, ये रहा ठीक है, लाइन न्यूट्रल के बीच में है। उसके आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखो लाइन फिल्टर है, ये रहा लाइन फिल्टर। फिर उसके बाद बीडीआर इधर है, बीडीआर है, बीडीआर के बाद यहाँ पर चार डायोड लग के ब्रिज एक्टिफायर है, ब्रिज एक्टिफायर, ये रहा ब्रिज एक्टिफायर, चार डायोड है। फिर उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर है ठीक है। तो लाइन न्यूट्रल से यहाँ पर एक सेक्शन आपको बनाना चाहिए, कॉपी निकालो और तुरंत चालू करो। लाइन न्यूट्रल से 310 वोल्टेज तक हर सीबी को आप देखते हो, चाहे इन्वर्टर हो है ना या नॉर्मल हो, तो आपको सबसे पहले एक सेक्शन बनाना चाहिए लाइन न्यूट्रल टू 310 वोल्टेज। देखो इस कैपेसिटर में 310 होना चाहिए, मतलब इस कैपेसिटर में 310 होना चाहिए। उसके बाद ब्रिज के बाद देखो ब्रिज के इधर है ये प्लस माइनस, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस कैपेसिटर का, तो यहाँ पर 310 वोल्टेज आएगा। तो इसके ब्रिज के पीछे 220 वोल्टेज एसी, जो आपके वर्तमान में जो वोल्टेज है एसी वोल्टेज, वो इसमें आना चाहिए जहाँ पर एसी सिंबल है इधर, मतलब इस बीडीआर में आना चाहिए। चालू हो गया है, न्यूट्रल में कितना आया, 234 वोल्टेज है, 234, और इस फ्यूज से आगे बढ़ा दिए, वहाँ पर भी 233 है, और इसके बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते देखो यहाँ पर आ गया ठीक है। लाइन से जाने देना, ये न्यूट्रल को भी यहाँ पर आप ले जा सकते हो, आ रहा है। फिर उसके बाद हमने एनटीसी पार किया, इधर दिख रहा है, इधर यहाँ पर एनटीसी है, एनटीसी पार किया, यहाँ पर भी 235 है, थोड़ा हिलता रहता है वोल्टेज एसी का। और देखो इस रेजिस्टेंस के पास ही हमने देखा, इधर यहाँ पर भी 234 है। इस तरीके से यहाँ पर लाइन फिल्टर हमने पार किया, ठीक है 233 है। उसके बाद हम यहाँ पर बीडीआर में आ गए, वोल्टेज जाएगा, चालू हो गया, तो जो लाइन न्यूट्रल में वोल्टेज है वो यहाँ से यहाँ तक ब्रिज तक जाएगा ही जाएगा है ना। अब उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, कैपेसिटर में हम डीसी वोल्टेज देखेंगे। देखो ये माइनस को यहाँ रख देते हैं क्योंकि इधर ले लो, कितना आया देखो, 316 वोल्टेज है यहाँ पर डीसी ठीक है। तो अभी हम लिखने वाले हैं कहाँ कहाँ पर कितना कितना वोल्टेज देखें, 310 वोल्टेज टेस्ट पॉइंट वन, 310 वोल्टेज मिल गया। तो अगर नहीं मिलता तो इधर आते हम टेस्ट पॉइंट टू, लाइन न्यूट्रल 220 वोल्टेज है कि नहीं है, यहाँ आते या फिर सीधा लाइन न्यूट्रल में आते। तो लाइन न्यूट्रल से 310 वोल्टेज यहाँ तक आना चाहिए, 220 वोल्टेज, और उसके बाद यहाँ पर डीसी वोल्टेज देखना है 310 वोल्टेज आ गया। चलो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कितना कितना वोल्टेज देखे हैं। देखो अभी हमने वोल्टेज चेक किया, यहाँ पर लाइन न्यूट्रल में आया था, यहाँ पर हमने मीटर यहाँ पर रखे थे, टेस्ट पॉइंट वन बोल सकते इसको, टेस्ट पॉइंट वन, कितना वोल्टेज आया, 233 वोल्टेज एसी सप्लाई यहाँ पर इन में लाइन न्यूट्रल में।
फिर यही लाइन न्यूट्रल में जो वोल्टेज यहाँ पर है वो वोल्टेज आगे बढ़ते 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 जा रहा है, और यहाँ पर भी कितना वोल्टेज देखें बीडीआर में, यहाँ पर 233 वोल्ट एसी सप्लाई मिला। फिर यहाँ पर वोल्टेज मिल गया, इधर देखो जितना भी लाइन न्यूट्रल की लाइन है इसमें सेम वोल्टेज होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो हिलता रहता है इनपुट वोल्टेज तो हिलता है थोड़ा बहुत। उसके बाद एक ब्रिज में जो घुस रहा है यहाँ पर, यही बीडीआर के पास ही है, और यहाँ पर देखो 316 वोल्टेज आ रहा था, यहाँ पर हमने 310 वोल्टेज लिखा हुआ है, यहाँ पर 316 हो रहा था, यहाँ पर 310 वोल्टेज लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ इस तरीके से आपको भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर पहले वोल्टेज कितना होना चाहिए, कहाँ पर होता है। तो लाइन न्यूट्रल में जहाँ जहाँ भी लाइन न्यूट्रल जाता है, जो वोल्टेज आपके लाइन न्यूट्रल में वही वोल्टेज होना चाहिए है ब्रिज के पहले, उसके बाद ब्रिज के बाद डीसी हो जाता है, तो डीसी यहाँ पर डीसी वोल्टेज देखते हैं। तो हमको यहाँ पर हो गया, तो ये हो गया आपका एक चैप्टर। उसके बाद हम देखने वाले हैं जीरो क्रॉसिंग, तो जीरो क्रॉसिंग को अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।